चलिए 23rd of February 2019 नेक्सस जीएस स्पेशल निकाल लीजिएगा, लिखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 73वें नंबर के संवैधानिक संशोधन के बारे में। तो संभवतः सभी को याद है कि इस ईयर इलेक्शंस हैं 2-3 महीने के अंदर ही, तो उसके बारे में पूछा जाना तय है आपकी परीक्षा में। देखिएगा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत, संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को, पंचायतों को, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट ईयर आपका कावेरी जल नदी विवाद जो था बहुत ज़्यादा चर्चा में था, अब से लगभग से एक साल पुरानी बात है, फरवरी 2018 की और 16 फरवरी 2018 की बात है, आज हो गई है 23 फरवरी, तो एक साल कुछ दिन पहले आपकी पुरानी बात है, कावेरी नदी जल विवाद न्यूज़ में आया था। रीज़न क्या था उसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक जान लेते हैं और हमारे एग्जामिनेशन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये हम बात कर लेते हैं। तो बात है 16 फरवरी 2018 की, सर्वोच्च न्यायालय ने कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। इसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट जी ने कहा था कि नदी किसी राज्य की संपत्ति नहीं होती है। तो ये एक स्टेटमेंट आया था जो आपका इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो बात कर लेते हैं। हम लोग बात करेंगे जो आपका कावेरी नदी है या फिर आपका नर्मदा नदी है उसके बारे में। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश के अनूनपुर जिले में स्थित वंध्याचल और सत्यपुड़ा पर्वत श्रेणियों की पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक नदी से हुआ है, कुंड से हुआ है। और वहीं पे अगर कावेरी नदी के बारे में बात की जाए तो ज्योग्राफी के पोर्शन में अपडेट होगा ये क्वेश्चन। कावेरी नदी का जो उद्गम है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा वो कावेरी नदी ही है, लिख लीजिएगा। कावेरी नदी का उद्गम, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है, कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है। देखिए हर चीज़ पढ़ें या ना पढ़ें लेकिन ऐसे पॉइंट्स आपको ज़रूर पढ़ने हैं, ऐसे टॉपिक जो ज़रूर पढ़ने हैं जो आपका कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड होते हैं, तो वो आपके एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं और उन्हीं का प्रॉपर रिवीजन आपके पास होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 243D के बारे में। तो भारतीय संविधान का जो भाग 9 है उसके तहत आर्टिकल 243D अर्थात 243 घ के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के स्थान आरक्षित किए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम एक तिहाई स्थान जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। तो पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, भारतीय संविधान के भाग 9 के तहत, भारतीय संविधान के भाग 9 के तहत, भारतीय संविधान के भाग 9 के तहत आर्टिकल 243D के, आर्टिकल 243D अर्थात 243 घ के अंतर्गत, अर्थात 243 घ के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में, इसके तहत प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, इसके तहत प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या, भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम, कुल संख्या के कम एक तिहाई स्थान, एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे,
महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। लास्ट ईयर आपका नाटी जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में था। अब नाटी एग्जैक्टली है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो एससी एसटी एक्ट पर आपका सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था, उम्मीद है याद होगा, मार्च 2018 की बात है, और नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इससे संबंधित नाटी जो है, जो आपका लोक नृत्य है, नाटी जो है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, और इस लोक नृत्य को वर्ष 2016 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में शामिल किया गया था। मुझे उम्मीद नहीं है कि आप में से किसी को पता होगा इस बारे में, फिर भी लिखिएगा इस पॉइंट को। नाटी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, नाटी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, लोक नृत्य है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, लोकायुक्त के बारे में बात करें और उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के बारे में बात करें, तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की जो पदधारण अवधि है वर्तमान में आपका 8 ईयर्स है, 8 साल है। पहले की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम जो है 1975, उसके तहत लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त की जो पद धारण अवधि है उसके पद धारण करने की तिथि से 6 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी जो पद धारण अवधि है उसको 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। लिखिएगा, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि 8 साल है, 8 ईयर्स है। एक तरफ लिखिएगा राष्ट्रीय उद्यान और एक तरफ लिखिएगा राज्य। एक तरफ लिखिएगा राष्ट्रीय उद्यान और एक तरफ लिखिएगा राज्य। इंतानकी नागालैंड, इंतानकी नागालैंड, बेतला झारखंड, बेतला झारखंड, सिरोही मणिपुर, सिरोही मणिपुर, गुइंदी तमिलनाडु, गुइंदी तमिलनाडु, गुइंदी तमिलनाडु। अब बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो है अपने रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपने हरे रंग, पौधे अपने हरे रंग वाले, पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर, भूमि से जल लेकर जटिल खाद्य पदार्थों जैसे, जटिल खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। अब बात करेंगे प्रोटीन के पाचन अमाशय के बारे में। तो प्रोटीन का जो पाचय होता है वो आपका अमाशय में प्रारंभ होता है, मतलब स्टमक में प्रारंभ होता है। अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम जो है प्रोटीनों को छोटे पेप्टाइड्स में,
और उनकी घटक जो है एमिनो अम्ल में विघटित करता है। लिखिएगा, प्रोटीनों का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। प्रोटीनों का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों को छोटे पेप्टाइड्स और उनके घटक एमिनो अम्लों में विघटित करता है। दीवाने अमीर कोही के बारे में बात करें, एग्जैक्टली है क्या? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी। इस विभाग का जो मुख्य कार्य था वो आपका कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। लिखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, एक तरफ लिखिएगा पहाड़ियां और एक तरफ लिखिएगा राज्य। गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश में है। कोलई मलाई है तमिलनाडु में। डालमा है झारखंड में। अभी 5 मिनट पहले हम लोगों ने बात की थी SC ST एक्ट पर। ये आपका सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें हम लोगों ने नाटी नामक जो आपका लोकनृत्य है उसके बारे में लिख लिया था। अभी जो आपके लिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो ये एक्ट जो है SC ST वाला, मध्य प्रदेश PCS में तो रखा हुआ रहता है, ये आएगा ही आएगा, इसके बिना पेपर ही नहीं बनता। UP में भी पूछा जा सकता है। रीज़न ये है कि लास्ट ईयर ये चर्चा में आया और हो सकता है कि SC ST एक्ट के बारे में पूछा जाए, तो थोड़ा सा इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली है क्या? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में पारित हुआ था और ये अधिनियम जो है 30 जनवरी 1990 से संपूर्ण भारत में लागू है। जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बात कर रहा हूँ, तो पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में पारित हुआ और यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया। देखिए, लास्ट ईयर आपका समलैंगिकता भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, धारा 377 बहुत चर्चा में रहा था। लास्ट ईयर PCS में यह क्वेश्चन भी बना था, ठीक है। कई लोगों ने गलत किया था क्योंकि उसमें संविधान भी लिखा हुआ था, धारा भी लिखा हुआ था, लोगों ने देखा नहीं और बस संविधान पर टिक कर दिया। मैक्सिमम लोग आप में से भी गलत किए होंगे। देखिए, यही चीज़ होती है जब आप एग्जामिनेशन देते हैं तो हर एक प्रश्न को उतना ही आपको समय देना चाहिए जितना उस नंबर में है। जैसे एक नंबर का सभी क्वेश्चन है, 1.25 का सभी क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चंस को आप उतना ही टाइम दीजिए। ऐसा ना हो कि आपने आर्टिकल 280 देखा और कहीं पे वित्त आयोग लिखा है, कहीं वित्त विभाग लिखा है, तो आपने वित्त विभाग पहले देखा तो वित्त विभाग सही, वित्त आयोग
अगर आप देख रहे हैं पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपको आंसर आपको समझ में आ जाएगा। तो समलैंगिकता के बारे में बात करें, ये लगभग से सभी लोगों को पता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। धारा 377 है तो वैधानिक है फिलहाल। अब तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, कहाँ से आपका क्या क्वेश्चन इसमें बन सकता है। अब तो 1 साल पुराना हो गया है डाटा, तो ये अपडेशन होके जीएस में ही पूछा जाएगा। फ्रांस में आपका समलैंगिकों के अधिकारों के प्रति पारंपरिक रूप से उदारवादी दृष्टिकोण रखा गया था। तो अगर इसकी बात की जाए समलैंगिक जो विवाह है उसको मंजूरी प्रदान करने वाले पहले देश के बारे में, तो नीदरलैंड वो पहला देश था जिसने समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान की थी। पॉइंट को नोट डाउन करिएगा, समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान करने वाला। समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान करने वाला, मंजूरी प्रदान करने वाला पहला देश नीदरलैंड है। नीदरलैंड है, नीदरलैंड है। नेक्स्ट पॉइंट है, समलैंगिकता भारतीय दंड संहिता में, समलैंगिकता धारा 377 के अंतर्गत आती है। इस तरह से लिख लीजिएगा, समलैंगिकता धारा 377 के अंतर्गत आती है, 377 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांस ऐसा देश है, फ्रांस पहला ऐसा देश था, फ्रांस पहला ऐसा देश था जिसने समलैंगिकता को अपराध मुक्त, समलैंगिकता को अपराध मुक्त घोषित किया था, अपराध मुक्त घोषित किया था। लास्ट ईयर पॉलिटी के सेक्शन में एक क्वेश्चन और अपडेट हुआ था, एक टॉपिक और अपडेट हुआ था, जब निजता के अधिकार के बारे में बात हुई थी। बात है 24 अगस्त 2017 की, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है। तो 24 अगस्त 2017 की थी और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस एस खेहर साहब, अभी गोगोई साहब हैं, उम्मीद है सभी को पता होगा। और कौन से नंबर के हैं ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए, तो 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो 24 अगस्त 2017 की बात है, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जस्टिस एस खेहर। इनकी अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पूरे भाग 3 का एक स्वाभाविक अंग माना था। पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, 24 डेट सही लिखिएगा इसको, 24 अगस्त 2017 को, 24 अगस्त 2017 को। ये अगर प्री में नहीं पूछा गया तो 18 जून को आपका पीसीएस मेंस जो होना है वो पूछा जा सकता है, और लोअर की परीक्षा आपकी सामने लगी हुई है उसमें भी पूछा जा सकता है क्योंकि उसका भी लेवल एक होगा। 24 अगस्त 2017 को, 24 अगस्त 2017 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस खेहर की अध्यक्षता, जस्टिस एस खेहर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय जस्टिस एस खेहर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने, 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को, सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को संविधान के आर्टिकल 21 के तहत, संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पूरे भाग 3 का स्वाभाविक अंग माना है, और पूरे भाग 3 का स्वाभाविक अंग माना है, स्वाभाविक अंग माना है। जम्मू कश्मीर से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में उठना ही उठना है। पुलवामा अटैक हुआ है और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें लगातार हो रही हैं। उसके पहले भी जम्मू कश्मीर आपका चर्चा में आया था, जो आपका आर्टिकल 377 है।
तो वैसे भी चर्चा में था, और नहीं भी चर्चा में होता है तो ये परमानेंट ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं इससे, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल भी चेंज हुए थे, राज्यपाल साहब भी चेंज हुए थे। तो जम्मू कश्मीर के संविधान का जो आर्टिकल 92 है उसके तहत राज्य में 6 माह के लिए राज्यपाल जो शासन है लागू किया जा सकता है, लेकिन इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति की जो मंजूरी है वो आवश्यक है। तो जम्मू कश्मीर को, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है, इसका अपना खुद का एक संविधान है। तो पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, लिखिएगा। देखिए यही चीज़ मैं हर एक चीज़ के बाद बताता हूँ कि आपको एक टॉपिक में कितना पढ़ना है ये महत्वपूर्ण होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सेस में आपको नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डाटा नहीं पढ़ लेना है, उतना ही पढ़ना है जिससे आपका काम भी बढ़ जाए, और इतना कम भी नहीं पढ़ना है जिससे आपका काम ही ना बने। आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है, जैसे कि कल आपको पता है कि रिज़ल्ट आए हैं UPVCS के 16 का जो रिज़ल्ट आया है, फाइनल रिज़ल्ट आया है, और होपफुली जल्द ही आप लोगों का 18 का जो PCS प्रीलिम्स का रिज़ल्ट है वो भी आ जाएगा। तो इसी के चक्कर में आपका ये रुक गया था, तो अब फिलहाल ये आ गया है, ये क्लियर हो गया है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आपका 18 का आएगा, और 17 का जो PCS मेंस है जो आप में से भी कई लोगों ने दिया, क्योंकि 16 में तो हमारे यहाँ से कोई पढ़ता ही नहीं था उस टाइम पे, जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी वो आपका 2015 दिसंबर में हुई थी, तो 16 मेंस तो यहाँ से किसी ने नहीं दिया था, लेकिन 17 मेंस कई लोगों ने दिया है, और होपफुली 18 मेंस तो कई लोग देंगे। तो हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रहे थे, तो जम्मू कश्मीर से कहाँ चले गए हम लोग, वापस आ जाते हैं। लिखिएगा, जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के आर्टिकल, जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 के तहत, 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है, विशेष दर्जा प्राप्त है, विशेष दर्जा प्राप्त है। जम्मू कश्मीर के पास अपना खुद का संविधान है, जम्मू कश्मीर के पास अपना खुद का संविधान है, जम्मू कश्मीर के संविधान की आर्टिकल, इसी में आगे बढ़ा के लिखिएगा, जम्मू कश्मीर के पास अपना खुद का संविधान है और जम्मू कश्मीर के संविधान की आर्टिकल 92 के तहत राज्य में छह माह के लिए राज्यपाल शासन लागू किया जा सकता है, राज्य में 6 माह के लिए राज्यपाल शासन लागू किया जा सकता है, लेकिन इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी, लेकिन इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, माल्थस के बारे में बात करें तो माल्थस जो थे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1798 में प्रकाशित लेख प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूशन पॉपुलेशन में एक ओर जनसंख्या की वृद्धि और जनसांख्यिकी परिवर्तनों तथा दूसरी ओर सांस्कृतिक व आर्थिक परिवर्तनों का उल्लेख किया था। तो कभी कभी पूछा जाता है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या जो नियंत्रण है उसका सर्वाधिक जो प्रभावकारी उपाय है कौन सा था, तो फिलहाल जन्म नियंत्रण ही उनका सबसे बड़ा एक उपाय था। लिख लीजिएगा, माल्थस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1798 में प्रकाशित लेख में एक ओर जनसंख्या की वृद्धि और जनसांख्यिकी परिवर्तनों तथा दूसरी ओर सांस्कृतिक व आर्थिक परिवर्तनों का उल्लेख किया है, दूसरी ओर सांस्कृतिक व आर्थिक परिवर्तनों का उल्लेख किया है, उल्लेख किया है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मृतिका मिट्टी के बारे में बात करें तो मृतिका मिट्टी के कणों का जो व्यास है छोटा होने के कारण इसे इसमें आपका जल धारण क्षमता जो है अधिक पाई जाती है। कभी कभी पूछा जाता है कि जल धारण क्षमता किसमें अधिक होती है, और ज्योग्राफी में तो फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। जहाँ तक यूपी कमीशन की बात कही जाए, यूपी कमीशन का मतलब है यूपी कमीशन के अंतर्गत जितने भी आपके पेपर होते हैं वो सारे के सारे। तो फिलहाल तो अभी 3 करा रहा था, लेकिन जिसमें से लोअर इस बार UP SSSC से हो रहा है। समीक्षा अधिकारी नेक्स्ट आपका आएगा, तो जो आपका आयोग कराएगा PCS के बाद। मतलब तो मृतिका मिट्टी के कणों का व्यास, मृतिका मिट्टी के कणों का व्यास छोटा होने के कारण इसमें जल धारण क्षमता अधिक पाई जाती है, जल धारण क्षमता अधिक पाई जाती है, जल धारण क्षमता अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है चिरागे दिल्ली का नाम संभवतः सभी ने सुना होगा, और अगर नहीं भी सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है। शेख नसीरुद्दीन महमूद शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। ये अपनी पदवी जो है चिरागे दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक फेमस थे। लिखिएगा शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। यह अपनी पदवी चिराग ए दिल्ली अर्थात यह अपनी पदवी चिराग ए दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए, दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। एक तरफ लिखिएगा विद्रोह और एक तरफ लिखिएगा वर्ष, एक तरफ लिखिएगा विद्रोह और एक तरफ लिखिएगा वर्ष। अहोम विद्रोह 1828, अहोम विद्रोह 1828 1828, कोल विद्रोह 1831 32, कोल विद्रोह 1831 32, संथाल विद्रोह 1855 56, संथाल विद्रोह 1855 56, मोपला 1921, मोपला इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मोपला 1921, मोपला है 1921। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 17 अस्पृश्यता। ये छोटे बड़े जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उन सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है आर्टिकल 17 अस्पृश्यता। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। नेक्स्ट पॉइंट है बात करेंगे उत्पादक कीमत सूचकांक के बारे में, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। देखिए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता क्या है, एक समय अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। ये लिखिएगा उत्पादक कीमत सूचकांक, उत्पादक कीमत सूचकांक एक समय अवधि में, एक समय अवधि में, एक समय अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है, औसत परिवर्तन को मापता है, औसत परिवर्तन को मापता है। उम्मीद है याद होगा आप लोगों को, आज आपका टेस्ट भी है, सैटरडे है तो आज रात में आपका टेस्ट है, और जितना भी आपने पढ़ा होगा उस हफ्ते, इस हफ्ते में पूरा का पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं एक भी बाहर का नहीं दूंगा।
हाँ ये ज़रूर है कि आपका हिंदी और करंट भी अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। होपफुली वहाँ का जो क्राइटेरिया है लास्ट 2 वीक से थोड़ा सा घटाया था मैंने, हो सकता है बढ़ जाए, तो डिपेंड करेगा एग्जामिनेशन पे, टेस्ट पेपर्स पे। बाकी तो देखिए आपकी तैयारी आपको पूरी की पूरी करनी है, जितना भी आप पूरे हफ्ते में पढ़ रखे हैं उतना पूरा ही आपको तैयार करना है। क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये तो फिलहाल बात की बात है, अभी फ़िलहाल आप पूरा का पूरा तैयार करिएगा। फिलहाल 23 फरवरी 2019 के नेक्सस जीएस स्पेशल क्लास के लिए इतना ही। और हमारा लोअर पीसीएस का जो बैच है वो 25 फरवरी 2019 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आपको जीएस का एक तरह से पूरा का पूरा क्रैश कोर्स कराया जाएगा। तो इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7080540001, इस नंबर पर सेंड कर दीजिए। आपको डेली क्लासेस मिल जाया करेंगी और मॉर्निंग में ही आपको ये क्लासेस मिल जाया करेंगी। जैसे कि आपने देख लिया है ये पहला डेमो है एक्सपेक्टेड, जिसका नाम है नेक्सस जीएस स्पेशल। जो आपने आज क्लास पढ़ी है उसका नाम है नेक्सस जीएस स्पेशल। इसी तरह से डेली आपको इस तरह से क्लासेस मिलती हैं। और जो हमारा पढ़ाने का बेस होता है वो ये होता है कि करंट से कोरिलेट करके इश्यूज़ को पढ़ाया जाता है, वही चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होंगी। तो बहुत आसानी से इसीलिए रिज़ल्ट आते हैं, पॉजिटिव रिज़ल्ट आते हैं हमारे पास। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं, इस चीज़ को फील कर सकते हैं, फिर आप एग्ज़ामिनेशन से भी इसको चीज़ को मिला सकते हैं। देखिए एग्ज़ामिनेशन के बाद आंसर की रिलीज़ करना बहुत आसान होता है, क्योंकि फिर एग्ज़ामिनेशन हो ही चुका है तो आंसर ढूंढना मुश्किल नहीं है। एग्ज़ामिनेशन के पहले अगर आपको ये चीज़ें पता हो कि हाँ किस तरह से पेपर का पैटर्न हो सकता है, वो सबसे ज़्यादा मस्ट होता है। जब आप रिवीजन करते हैं, जैसे लोअर का फॉर्म आया है, लोअर का फॉर्म सभी ने भर रखा होगा, ठीक है, सभी ने भर दिया होगा अभी तक, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। अब उसकी तैयारी कैसे की जाए, अभी तक तो फिलहाल सिलेबस आज की डेट तक तो नहीं रिलीज़ किया गया है, लेकिन जो लास्ट के सिलेबस हैं उस अकॉर्डिंग ये तो तय है कि जीएस ज़रूर आएगा। तो जीएस की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। और जीएस में ऐसा नहीं कि इतिहास भूगोल साइंस हर एक चीज़ को आप बैकग्राउंड में पढ़ते चले जाएँ, ये किताबें भी पढ़ लें वो किताबें, ना, आपको एक लिमिटेड क्राइटेरिया पकड़ना है, क्या चीज़ें बन सकती हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए। पढ़ने के तो आज तक आपने बहुत सारे किताबें पढ़ रखी हैं, यूजी कर लिया आपने, ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी कर लिया, और जाने क्या क्या लोगों ने कर रखा है। तो कितना आपको पढ़ना होता है ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, कितना सारा आपको नहीं पढ़ना है, कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे इस क्लास में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने डायरेक्ट लिखा दिए, ठीक है, कई चीज़ों के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्लास के बीच में हर एक चीज़ के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि कौन सी चीज़ किस वजह से इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि हाँ आप लोगों को ये पता रहे थोड़ा बहुत कि हाँ इस वजह से ये चर्चा में है। बाकी हर एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स आपको लिखाए जाते हैं, उन सब के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है, एक टीम वर्क होता है उसमें, जिसमें काम किया जाता है, उसके बाद क्लियर होता है कि हाँ ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट है, इसको नेक्सस जीएस स्पेशल में डालना चाहिए। इस क्लास को इसीलिए डिज़ाइन इसी तरह से किया ही गया है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसने लगातार, चाहे तो वो इंटरव्यू फेस किया हो पीसीएस का, फिर भी उसके लिए बेनिफिशियल क्लास होगी, क्योंकि इसमें एक तो आपका करंट से इश्यूज़ पढ़ाए जाएंगे, दूसरा ये हो जाता है कि रिवीजन बहुत ज़्यादा कराया जाता है, तो दोनों ही चीज़ें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिन्होंने पढ़ रखा है। और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आराम से इस चीज़ को तैयार करें, आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। हाँ अगर आपके पास समय है तो आप, ऑब्वियसली बात है, आप पढ़ाई भी करते रहें, इसके अलावा बुक्स आपको बता दी जाएंगी, ये बुक आप पढ़ते रहें। चलिए फिलहाल के लिए इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।